हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं वर्षु के ब्लॉग्स। तो आज 24 डेज़ के बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लाइफ में, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए। और तो अब से मैं फिर से अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी डेफिनेटली, जैसे भी हो पाएगा। तो जैसे आपने पहले मेरी वीडियोस को लाइक किया तो वैसे ही करना। और अब से सिर्फ मैं और फिर से कपिल और वही लोग आपको दिखाई देंगे मेरे व्लॉग में, क्योंकि क्योंकि हमारा ऋतु नहीं है हमारे पास। बहुत मुश्किल से वीडियो स्टार्ट करी थी, बहुत 1-1.5 घंटा लगाने के बाद कि वीडियो स्टार्ट करूँगी, बट नहीं हो पा रहा था। तो अब ऋतु हमारे बीच नहीं है, तो फिर से लाइफ फिर से वैसे स्टार्ट हो गई है पुराने वाली। तो और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं और कैसे क्या बोलूं, नो आइडिया। बस मुझे यही एक अपडेट देनी थी आप लोगों को कि मैं फिर से वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज ऋतु को गए हुए भी 24 दिन हो गए हैं, मैंने उसी दिन से ही कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और ऑफिस जाना भी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर ही दिया है, कर दिया था। 12-13 दिन के बाद मैं ऑफिस भी चली गई थी। और ये जो कुछ भी हुआ, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। मेरे पास अभी बहुत सारी पेंडिंग वीडियोस बची हुई हैं जो मैं अभी वही अपलोड करूँगी जो ऋतु के साथ थी। मेरी सारी वीडियोस मैं उनको नहीं, ऐसे ही उसकी सारी यादें जो भी हैं मैं सब कुछ शेयर करूँगी, सब कुछ अपने पास रखूँगी हमेशा। और बहुत कोशिश तो करती हूँ ठीक रहूँ, सब ठीक हो, बट नहीं हो पा रहा। इसलिए ये थोड़ा सा सोच रही हूँ कि माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा इस चीज़ से, मैं भी कि मैं वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी तो फिर से। अदरवाइज़ मैं हमेशा बस उसी के बारे में ही सोचती रहती हूँ और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब जो हुआ था वो सब रात को ही हुआ था। तो उस दिन से मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। और मैं अपने बच्चे को बहुत बहुत याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने उसकी हर एक चीज़ कैप्चर करी हुई थी, सब कुछ। और उसका 6 मंथ था उस दिन, वो 6 मंथ का हो गया था। तो उसी दिन से ही उसका सब सेलिब्रेशन की वीडियोस बनानी थी, सब केक वगैरह सब ऑर्डर किया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सीरियसली अभी। और अभी कोई नहीं है रूम में, कपिल गए हुए हैं बाहर आज, वो नहीं छोड़ते मुझे अकेला ऐसे, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। उनको काम था तो वो आज गए हुए हैं। मैं अभी बहुत देर से काम में बिजी थी अपना, लेकिन फिर जैसे ही बैठी फिर सोचा कि
आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर दूं। और कुछ लोगों को लगेगा कि क्या हो गया था उसको, या बीमार था या कुछ था। वो कुछ बिल्कुल ठीक सोया था, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं था, नॉर्मल उसको कफ था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा टाइम से था कफ, उसका ठीक नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था उसका कफ। बट इतना नहीं था कि ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा उसके साथ। नॉर्मली वो रात को फीड करके सोया था, आधी रात में भी उठा था, तो उस टाइम भी फीड करके सो गया, फिर मैं भी सो गई थी। मेरी एक डेढ़ घंटे बाद ही मेरी आँख खुली, तो फिर वो उसने कुछ मूवमेंट नहीं करी, कुछ नहीं करी। और मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आपको पता है, मम्मी और मैं और रुद्दू तीनों साथ ही सोते थे एक ही रूम में। बहुत बहुत अजीब दिन था वो, बहुत ज़्यादा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पाऊँगी अब, तो बस इतना है कि अब मैं सारी अपनी रुद्दू की वीडियोस डालूँगी। और बस मुझे उसकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कंट्रोल कर पाती कभी भी, मैं किसी भी टाइम कहीं भी रोने लग जाती हूँ। क्योंकि मैं उस ऑफिस में भी पूरा दिन मम्मी को 10 बार फ़ोन करती थी, मालिश हो गई उसकी, नहा लिया, दवाई दे दी, सो रहा है, उठा हुआ है, क्या कर रहा है। और अब मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ, बिल्कुल। और इतने दिन से व्लॉग्स जो नहीं आ रहे थे, मैं इसीलिए नहीं बना पा रही थी पहले जब रुतु था तब भी, क्योंकि मैं उसमें बहुत बिजी हो जाती थी, ऑफिस जाना आना, फिर आती, फिर मैं उसको संभालती थी, मैं एक मिनट भी फिर किसी को नहीं देती थी, पूरा टाइम उसको अपने साथ ही रखती थी। तो मैं अब बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ, अब ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। थोड़ा सा टाइम मैं भी लगेगा या नहीं पता नहीं, मुझे कुछ कुछ समझ तो आ नहीं रहा। लेकिन सब लोग तो कहते हैं कि उसको भूल जा, अपना आगे बढ़। ऐसे कैसे भूला जाता है, ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे भूल जाओ। और सब लोगों के लिए तो वो 6 मंथ का था, या मतलब वो लोग उसको 6 महीने से जानते थे, पर मैंने तो उसको 9 मंथ भी रखा था ना। मैं एक एक उस टाइम पे भी एक एक मूवमेंट, एक एक चीज सोचती रहती थी, सब करती रहती थी, पूरा टाइम गूगल पे कुछ 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 सर्च करती रहती थी। कैसे भूला जा सकता है ऐसे। और कुछ लोग बोलते हैं कि सेकंड बेबी होगा उसके बाद आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं आएगी, ये बोलने की बातें होती हैं, या फिर कोई और भूल जाता होगा। बट मुझसे नहीं भूला जाता, मुझसे अपनी कुछ भी चीज़ नहीं भूली जाती। और ये तो मैं, ये सब मेरे साथ पहली बार हुआ था, मैं पहली बार माँ बनी थी, पहली बार हर चीज़ मैंने एहसास करी थी कि सब कैसे होता है कैसे नहीं होता। पूरी पूरी रात जगी रहती थी नींद में, पूरा दिन ऐसे निकल जाता था। जो सेकंड होगा वो होगा, वो अलग बात होती है, लेकिन जो चीज रुद्दु की थी वो तो नहीं ठीक हो सकती ना, या मैं उसको नहीं भूल सकती। अब मैं कुछ भी आगे करूँगी या कुछ भी होगा तो मुझे उसकी तो याद आएगी ना, कि रुद्दु ऐसे करता था, वैसे करता था, कुछ भी।
और सच में वो बहुत प्यारा बच्चा था, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, वो किसी को भी परेशान नहीं करता था। इतना इतना सीधा बच्चा था वो, उसको जहाँ लिटाते थे वो वहीं लेटा रहता था। थोड़ी देर रोता भी था तो भी दूध पीने के बाद फिर खेलने लग जाता था, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। इतना इतना मासूम बच्चा था, मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले ने क्या, मैंने कुछ गलत किया था या कपिल या कुछ भी ऐसा, उसने तो क्या ही गलत किया होगा, वो तो अभी आया ही था इस दुनिया में, या क्या हुआ उसके साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या सब भगवान भगवान सब करते रहते हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं ऐसा एहसास हुआ कि इतने टाइम बाद मुझे बेबी हुआ था एक तो, ऊपर से आपने वो भी ले लिया। इतनी मुश्किल से लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस आई थी कि हाँ लाइफ अब सेट हो गई है, सब ठीक हो गया है, फिर से वही इतना ऊंचा उठाने के बाद फिर वही ला के गिरा दिया मुझको। कौन से भगवान के पास जाके क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उसका नाम शिव भगवान के ऊपर था। उन्हीं के दिनों में वो सावन में ही उनको शिव भगवान लेके चले गए अपने साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मैं ऐसे ही, अब जैसे भी मुझसे हो पाएगा मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे आगे।